दोस्तों आज हम बात जो कृषि पड़ती है उसके अंदर क्या काम करना पड़ता है और इसके लिए कितनी सैलरी मिलती है। तो जो डेली के हम लाइव क्लास करते हैं उसमें एक दो डेली के कमेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर इसमें कितनी सैलरी मिलेगी और क्या काम होता है। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे कि क्या सैलरी मिलेगी और क्या इसका काम होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर्च ऑन यूट्यूब एग्री बाय मनोज सर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सैलरी क्या होती है। तो सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों कि सैलरी है वो यानी कि स्टार्टिंग सैलरी है वो 11,000 से स्टार्टिंग होगी और लास्ट में जब 2 साल के बाद में हमारी 22-23 हज़ार से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन 2 साल तक हमें सिर्फ ओनली 11,000 ही यानी कि पर मंथ 11,000 मिलेगी। आगे बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का काम होता है वो दोस्तों ग्राम स्तर पर होता है यानी कि ग्राम गांव के अंदर जो एक पंचायत होती है उस पंचायत के अंदर होता है जो किसानों के लिए बीज खाद उपलब्ध करवाता है। यानी कि उनका काम सुपरवाइजर का यही होता है कि उस पंचायत में जाके बैठना और न कि वो किसानों को अच्छी गाइड देना, वो उसका काम नहीं होता। सिर्फ उसका काम होता है डाटा कलेक्ट करना या कौन सी यानी कि फसल है उसका नुकसान हुआ उस डाटा को उठा के गवर्नमेंट के पास में भेजना और कितना जितना भी यानी कि उसके पास गवर्नमेंट का सामान आया है यानी कि कोई भी खाद उर्वरक बीज जो भी आया है वो किसानों को उपलब्ध कराना, वो सारा सारा काम है वो एग्री सुपरवाइजर का काम होता है। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं होता कि इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए दिल्ली का फील्ड में जाके चेक करना होता है। लेकिन वो को थोड़ा सा जैसे कि सीजन होता है उस सीजन के अकॉर्डिंग ही उसको जाके चेक करना पड़ता है कि इसके लिए इतना लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। वो जब तक सरकार उसके लिए डाटा मांगती है तब तक उसको अवेलेबल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सा है। तो उससे पहले बता दूं दोस्तों कि मैंने दिल्ली के जो लाइव स्टडी करवाता हूँ तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यही पूछ रहे हैं सर आपके पेपर होल्ड नहीं करवाए हैं और क्वेश्चन अपलोड करो। तो वो सारे के सारे मैंने फिलहाल अवेलेबल करवा रखे हैं और वो ओल्ड पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों उससे पहले बता दूँ कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो डेली की अपडेट है वो आपको मिलती जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय विज्ञान।